सियासत में इन दिनों हर दिन कोई ना कोई हैरान करने वाली तस्वीर देखने को मिल ही जाती है। बिहार की राजधानी पटना से सटे बाढ़ में सोमवार को एक ऐसी ही अनोखी तस्वीर सालों बाद देखने को मिली। दरअसल सुशासन बाबू के नाम से मशहूर सीएम नीतीश कुमार एक लंबे समय के बाद कुछ ही दिनों पहले जेल से बाहर आए। मोकामा के पूर्व विधायक छोटे सरकार अनंत सिंह से मिलने उनके घर लदमा पहुंच गए। इस दौरान नीतीश कुमार और अनंत सिंह के बीच सालों बाद पहले जैसे मुलाकात हुई, दोनों ने अलग अलग मुद्दे पर एक दूसरे से बातचीत की। ऐसे में अब सीएम नीतीश कुमार और बाहुबली विधायक अनंत सिंह की इस मुलाकात को लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार तेज हो गया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को कई कामों का निरीक्षण करने बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर मोकामा चार लेन करनौती के पास बन रहे रेलवे ओवर ब्रिज का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बख्तियारपुर करनाज ताजपुर सेतु का भी निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार बैलची प्रखंड में आवासीय प्रखंड से अंचल नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। बता दें प्रखंड भवन का निर्माण 20 करोड़ 45 लाख 77 हजार रुपए की लागत से हुआ है। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला अचानक लदमा पहुंच गया, जहां सीएम नीतीश कुमार और अनंत सिंह के बीच खास मुलाकात हुई। बता दें इससे पहले मोकामा के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह की अगस्त महीने में जेल से रिहा होने के बाद 25 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास एक अड़े मार्ग पर पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में सीएम नीतीश कुमार और अनंत सिंह की मुलाकात हुई थी। हालांकि आधे घंटे की इस मुलाकात के बाद जब अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले तो उन्होंने इस मुलाकात अपने एक निजी कारण से जोड़ दिया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार और अनंत सिंह के बीच हुई मुलाकात के सियासी मायने खूब निकाले जा रहे हैं। अनंत सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात के क्या मायने हैं, अब इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अनंत सिंह के एक बार फिर से जेडीयू में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल अनंत सिंह ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बता दें अनंत सिंह इससे पहले भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में रह चुके हैं। एक जमाने में नीतीश कुमार और अनंत सिंह मंच तक शेयर करते थे, अब एक बार फिर से दोनों एक मंच पर साथ दिख सकते हैं। बता दें AK-47 मामले में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद बीते 16 अगस्त को बेऊर जेल से बाहर आए थे। अब अनंत सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो रही है।